नमस्ते दर्शकों, मैं शिवम संजय पांडे और स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्रिय साथियों, आप सभी ये जानते हैं कि हमारी कंपनी सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए काम करती है, यानी कि हमारी कंपनी की स्थापना का जो प्रमुख उद्देश्य है वो सिर्फ उतना है कि हम अच्छे से टेस्ट सीरीज को संपन्न कराएं। अच्छी तरीके से टेस्ट सीरीज को कंडक्ट कराना ही हमारा एक प्राइमरी वर्क है और उसको हम पूरी ईमानदारी व जिम्मेदारी के साथ करते हैं या कर रहे हैं। साथियों, ये जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है, ये आपको पता है कि टेस्ट सीरीज़ हमारी बहुत मोड पे अवेलेबल है। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड पे हम कार्य कर रहे हैं। ऑफलाइन मोड पर आप हमसे जुड़ते हैं। हम ऑफलाइन मोड पे हमसे जुड़ने का जो तरीका है वो ये है कि आप या तो हमारे सेंटर विजिट करते हैं, हमें कॉल करते हैं, या पूरे भारत में आप कहीं के भी रहने वाले और आप हमसे ऑफलाइन मोड पे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करते हैं, ईमेल करते हैं, जिस भी माध्यम से, फिर हम उस हिसाब से आपका वहाँ पे अरेंजमेंट करते हैं अपने हिसाब से। जो हमारी वहाँ पे एसोसिएट टीम होती है उसके साथ हम काम करते हैं, फिर आपको ऑफलाइन मोड पे इसकी सुविधा प्रोवाइड करते हैं। बट जो ऑनलाइन मोड पे हमारे साथ ही जुड़ रहे हैं उनकी बार बार हमें ये मैसेज आ रहे हैं कि आखिर ऑनलाइन मोड पे ज्वाइन कैसे करें, ये प्रोसेस हमें समझ में नहीं आ रहा। बार बार कईयों के कॉल आ रहे हैं, कई लोग मुझे मैसेज खुद डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं कि ये ज्वाइन कैसे करें, इसके ज्वाइन करने का क्या प्रोसेस है, किस तरह से इसको परचेस किया जाता है। तो आज साथियों, आज की वीडियो में ही देखेंगे कि हाउ टू ज्वाइन एग्जाम गुरु ऑनलाइन। एग्जाम गुरु जो टेस्ट सीरीज है साथियों, इसको ऑनलाइन मोड पे आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इस वीडियो में हम यही देखेंगे। तो सबसे पहले साथियों देख लीजिए, आप लिखा हुआ है हाउ टू ज्वाइन एग्जाम गुरु ऑनलाइन। इस हर प्रोसेस को बहुत ध्यान से देखिएगा और तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे, बहुत आसान और आसान तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। मैं बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा और आप इसको बहुत आसान तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले साथियों, आप जब ऑनलाइन मोड पे कहीं भी डालेंगे एग्जाम गुरु जब आप डालेंगे तो एग्जाम गुरु का ये QR कोड आपको मिल जाएगा। किसी भी सोशल, आप चाहे वेबसाइट पे विजिट करें, कहीं भी जाएंगे तो ये जो QR कोड है साथियों, आप इसको अगर स्कैन करेंगे तो आप डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर में पहुंच जाएंगे। अगर आप ये नहीं करते, आपके पास ये QR कोड नहीं है, तो आप अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाइए। जैसे हमने देखिए अपना इंटरफेस एक दिख रहा होगा आपको हमारा, कि हमने यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर खोला हुआ है, गूगल प्ले स्टोर ऑन है। अब गूगल प्ले स्टोर खोलने के बाद हमने यहाँ पे देखा, टाइप किया एग्जाम गुरु एप, EXAMGURUAPP एग्जाम गुरु एप। तो आप ध्यान से देखिए, बहुत सारे ऐप आएंगे, उसमें ध्यान से देखेंगे जो ग्रीन ब्लैक का एक कॉम्बिनेशन दिख रहा होगा, एग्जाम गुरु का लोगो दिख रहा होगा, ये साथियों इसको आपको प्रेस करना। आप इसको जब प्रेस करेंगे, आपने जब इसको प्रेस किया तो देखेंगे ये ऐसे बड़े फेस पे खुल के आएगा, एग्जाम गुरु एजुकेशनल बाइनरी मीडिया, ठीक, ये खुल के आया। 47 MB का ये है, ठीक है, ऐप है हमारा। आप इसको इंस्टॉल करेंगे, आप प्रेस करेंगे इंस्टॉल करेंगे, जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो देखिए ये डाउनलोडिंग होने लगा, ये डाउनलोड होने लगा। तो देखिए यहाँ पे डाउनलोडिंग इसकी चालू हो गई कुछ ही मिनटों में, एक से डेढ़ मिनट में आप देखेंगे कि ये ओपन हो जाएगा, ये मतलब डाउनलोड हो जाएगा। अब डाउनलोड हो जाने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ अनस्टार और ओपन का। आप ओपन पे प्रेस करेंगे तो देखेंगे आप डायरेक्ट कहाँ पे चले गए, ऐप पे चले गए। कहाँ चले गए? ऐप पे चले गए। आप जब इसको करेंगे तो आप देखेंगे डायरेक्ट आप कहाँ चले गए, ऐप पे चले गए। ऐप पे जाने के बाद साथियों आपसे कॉन्टैक्ट मांगे जाएंगे, मतलब आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड करना होगा। देखिए हमने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया, ठीक है, जैसे हमारा मोबाइल नंबर है 9682713852 कुछ भी ऐसे, ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखिए इंटर कर दिया। अब इसके बाद देखिए कुछ ही मिनट में आपके पास OTP जाएगा, OTP का देखिए ऑप्शन खाली है, देखिए OTP जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जब आपने ये नंबर इंटर कर दिया तो आपके पास OTP जाने वाला है। देखिए यहाँ पे 43, 42 ऐसे सेकंड लिख के आएगा, ठीक है, तो देखिए OTP जाएगा। OTP देखिए आपके पास आ चुका है, ये आपकी OTP है 8084। यहाँ पे देखिए कॉपी का ऑप्शन आपके फ़ोन में आएगा, मैसेज जो आपको आएगा यहाँ से आप कॉपी करेंगे इसको, ठीक है, 8084 जो आया है इसको फिर से साथियों आप यहाँ आएंगे और देखिए यहाँ पे जब आप उसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे तो ये ऐसा फिर से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। जब आपने उसको OTP जो आपकी आई थी, OTP आपने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, OTP वहाँ एंटर करी तो डायरेक्ट अपने आप आपके सामने ये इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे साथियों क्या करना, आपको अपना नाम एंटर करना। तो जैसे मेरा नाम है शिवम संजय पांडे, तो यहाँ देखिए मैंने एंटर किया शिवम संजय पांडे। एंटर करने के बाद साथियों मुझे अपनी ईमेल आईडी भी मेंशन करनी पड़ी, यहाँ नोट करनी पड़ी, तो मैंने यहाँ अपनी ईमेल आईडी भी लिखी हुई है, ठीक है। मान लीजिए मेरी ईमेल आईडी कुछ भी है, ठीक है, ओमेगा केयर कुछ भी है, तो मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल दी। अब मैंने ईमेल आईडी डाली तो उसके बाद फिर से मुझे ये लेट्स गेट स्टार्टेड को प्रेस करना, ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैंने जो है ये जब स्टार्ट किया तो अब जो इस अगला इंटरफेस खुल के आया वो ये आया, ये ऐप के अंदर का ऐसे आपको दिखाई देगा, ठीक है। जब आप
ऐसे करेंगे तो आपको ऐप के अंदर का ऐसा इंटरफेस खुल के दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए हमारी अलग अलग फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दोनों दिखाई दे रही हैं। यहाँ आपको पैसे भी लिखेंगे। फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज आपको मात्र 1 रुपये में दिखाई दे रही होगी, क्योंकि अभी 5 टेस्ट डेमो टेस्ट है जो पूरी तरह से आप सभी के लिए फ्री है। तो आप यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे क्या किया, बाय नाउ मैंने 1 रुपये का जो है वो डेमो टेस्ट फ्री वाला वो मैंने उसको खोल लिया, ठीक है, मैंने उसको खरीदा, मैंने उसको परचेस कर लिया। देखिए मैंने बाय नाउ लिखा, तो देखिए बाय नाउ करने के बाद अब मेरे पास ये ऑप्शन है पेमेंट के कि मैं उसको कैसे पेमेंट करूँगा। तो मैं जैसे फोन पे, गूगल पे, मैं कुछ भी कर यूज करता हूँ, तो मान लीजिए मैं फोन पे यूज करता हूँ, तो मैंने फोन पे यहाँ इधर प्रेस करा। फोन पे करने के बाद ये देखिए यहाँ पे आ गया पे नाउ, 1 रुपये 3 पैसे, 1 रुपये 3 पैसे, GST भी इसमें ऐड हो गए, ठीक है, 1 रुपये 3 पैसे। तो मैंने यहाँ पे नाउ पे प्रेस किया। पे नाउ पे प्रेस करने के बाद साथियों देखिए यहाँ पे नाउ पे प्रेस किया तो ये फिर से ऐसे आया। अब यहाँ पे पे मतलब पे नाउ करने के बाद ये मेरे फोन पे अकाउंट का खुल गया, ठीक है, फोन पे अकाउंट पे मेरा खुल गया। मैंने पे किया 1 रुपये 3 पैसे, तो ये 1 रुपये 3 पैसे जैसे ही मैंने पे किया, आप ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो मेरी UPI ID पे देखिए 1 रुपये 3 पैसे कटने के मैसेज आ गए कि 1 रुपये 3 पैसे आपके अकाउंट से कट गए। और यहाँ पे देखिए लिखा पेड रुपये 1 रुपये 3 पैसे सक्सेसफुल, यानी कि 1 रुपये 3 पैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, पे कर दिया। 1 रुपये 3 पैसे हमने क्या करा, पे कर दिया। अभी देखिए पे करने के बाद ये जो अगला मैसेज हमारे पास आया है, हमें रिसीव हुआ, उसमें क्या लिखा है, डियर स्टूडेंट वी हैव रिसीव्ड योर पेमेंट ऑफ INR 1 रुपये 3 पैसे एंड यू विल रिसीव द कोर्सेज एक्सेस शॉर्टली, थैंक यू क्लास प्लस। यानी कि हमने अपना पैसा जो दिया, ये कह रहे हैं कि आपकी पेमेंट हमें रिसीव हो गई है, कुछ ही दिन, कुछ ही सेकेंड्स के अंदर, कुछ ही मिनट्स के अंदर आपको हमारे ऐप का एक्सेस भी दे दिया जाएगा। तो देखिए आपको हमें फिर ऐप का एक्सेस मिल गया, और ऐप के एक्सेस में आप जब जाएंगे वहाँ पे कंटेंट वाली स्लाइड जब आप ओपन करेंगे तो कंटेंट में आपको ऐसे दिखेगा टेस्ट, जो टॉपिक वाइज टेस्ट है इसका पूरा शेड्यूल दिखाई देगा, सब कुछ ऐसे दिखाई देगा, और जो FST है उसका भी ऐसे पूरा प्रॉपर एक शेड्यूल दिखाई देगा। तो आप जो है ये जो अगर टॉपिक वाइज ज्वाइन करना चाहते हो ऑनलाइन मोड पे तो टॉपिक वाइज के लिए आप कर सकते हैं, और FST भी आपके लिए फ्री है, डेमो टेस्ट आप देखना चाहते हो देख लीजिए, इसके भी डेमो टेस्ट आप फ्री में वहाँ पे देख सकते हैं कैसे हुआ है क्या हुआ, इसका भी डेमो आप फ्री में दे सकते हैं, ठीक है, एक टेस्ट जो हो चुका है। तो ये आपने देखा कि आप टॉपिक वाइज इधर ज्वाइन कर सकते हैं, FST इधर ज्वाइन कर सकते हैं, FST के 5 टेस्ट फ्री हैं। तो ये साथियों हमने आपको बताया ऑनलाइन मोड पे आप कैसे एग्जाम गुरु को ज्वाइन करें। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि पूरा प्रोसेस कि आप इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का आसान, बेहद आसान तरीका है, शॉर्टली आप डायरेक्ट QR कोड स्कैन कीजिए, आप ऐप पे जाइए, ऐप पे जाएंगे तो आप वहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना, मोबाइल नंबर इंटर करेंगे OTP आएगा, OTP आने के बाद आपको पेमेंट करनी है। आप जब वहाँ पे जाएंगे उसके बाद आपको नाम वगैरह इंटर करना, नाम इंटर करने के बाद आपको पेमेंट करनी, पेमेंट फिर आप जो है आपका काम चालू हो गया। तो परचेस करने का प्रोसेस यही है, ठीक है, मतलब ऐसे ही समझ लीजिए, आपने अपना मोबाइल नंबर इंटर किया, फिर आपके पास OTP है, OTP आने के बाद आपका नाम पूछा गया, नाम अपने लिखा, ईमेल ID लिखी, इसके बाद आप ऐप के अंदर गए, वहाँ पे आपसे पूछा गया कि आपको चाहिए क्या, आपने अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगा वो आपने टेस्ट सीरीज परचेस कर ली, उसके बाद आपने पेमेंट किया, फिर आपके मेंबर हो गए, आपने उसको फिर ज्वाइन कर लिया। तो ये तरीका है, बेहद आसान है, आई होप कि ये सब समझ में आपको आ गया होगा, ठीक। तो अच्छे से टेस्ट दें, अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।